हेलो गुड इवनिंग नमस्कार आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनिल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे evening, तो आज के इस क्लास में या आज के इस सेशन्स में हम जो जे का पहले पेपर हो चुका है जिसमें हम बात करेंगे 2017 की इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने 2018 के जो जो IT पेपर था पेपर्स है, बहुत रखते हैं उससे हमें पता चल रहा है कि क्या एग्जामिनर कैसा टॉपिक यहां पे पूछ रहा है एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कौन से टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ने चाहिए क्लियर है ना ये सारी थोड़ी सी हमें एक भनक सी लग जाती है क्लियर है चीजें हाँ तो इसी प्रोस्पेक्टिव से हम आ, आज 2017 का जो जो पेपर पूछा गया था उसी को हम आज डिस्कस करेंगे तो चलते हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इसमें हम आ, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन लेना पसंद करेंगे जिसमें हमारा बात करें तो जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके एग्जाम्स नोटिफिकेशंस आने वाली है वो पुलिस एसआई और पुलिस कांस्टेबल अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो नीव इंस्टीट्यूट है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी यहाँ पे आ, एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है मतलब मैं आपको सिंपल से भाषा में ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से पेपर्स की तैयारी होती है टैट हो गया टी, -टी हो गया जे बी टैट हो गया जे कमीशन हो गया अलाइड सर्विसेज हो गया इसके बाद क्लर्क लेवल के जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं पटवारी की बात कर सकते हैं पुलिस कॉन्स्टेबल एस की बात करें इसके अलावा सी जो सेंट्रल लेवल का एस है एम की बात करें क्लियर है ये चीज़ें उसके बाद रेलवे इन सभी भी uh, एग्जाम्स की यहाँ पे प्रॉपर तैयारी चलती है सो so, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस चीज के लिए सोच रहा है एक बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए तो आप हमारे वन वीक डेमो फ्री को यहाँ पे ले सकते हो मतलब क्या कि हम कभी भी आपको ये नहीं बोलते कि यहाँ पे आप एडमिशन लो हम ये बोलते हैं कि नीब इंस्टीट्यूट हर एक स्टूडेंट्स को आ, uh, एक uh, यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहा है कैचेज एक हफ्ते का डेमो फ्री प्रोवाइड कर रहा है ये किस चीज के लिए होता है ताकि आप यहाँ पे आके के सिस्टम को जान पाओ और देख पाओ कि क्या ये जो इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है या फिर आ, इसमें कुछ भी नहीं है अगर लगता है कि कुछ भी नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट को चेंज करके जा सकते हो इसके अलावा इसके अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नीव इंस्टीट्यूट हर किसी स्टूडेंट को ट्वेंटी डिस्काउंट देता है जो कि बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे स्टूडेंट जिनको पैसे की वजह से शिक्षा से पंचित रहना पड़ता है उन सभी के लिए यहां पे यह बेनिफिट इंपॉर्टेंट रह सकता है तो यह जो मैसेज है मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिन जरूरतमंदों को इसकी जरूरत है उन तक ये मैसेज आप पहुंचाओगे चलेगा दिस इज अबाउट पी माइ सल्फान एंड दिस इज कांटेक्ट नंबर अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कॉन्टैक्ट या फिर कोई मैसेज कर सकते हो इसके अलावा अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पर टाइम टू टाइम हमारी क्लासेज चलती है तो चलते हैं आज के ही में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम दो में जो जे के लिए पेपर पूछा गया था उसको हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है ये सही है ये चीज़ें देखो मैंने आपको पहले ये चीज़ समझा दी है अगर अगर आपको जे ओ क्वालिफ़ाई करना है तो आप केवल और केवल जो कंप्यूटर है कंप्यूटर के दम पे आप जे ओ क्लियर नहीं कर सकते हो इसके लिए आपको जी ओ पोर्सन स्ट्रोंग करना पड़ता है तो ये ये जो क्वेश्चन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है जिन्होंने एचपी जी के अच्छे से पढ़ा जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ी उसके बाद मैं जनरल साइंस की बात करूँ इकोनॉमिक्स की बात करूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोवाइड करेंगे तो चलते हैं आज के इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं ओके okay जी चलेगा जिसके दिमाग में ये चीज आ रही होगी ना कि हमें कंप्यूटर पढ़ना है कंप्यूटर पढ़ना है कंप्यूटर की क्लास लगती थी क्यों नहीं वो लग रही है मेरे अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आपको दे चुका हूं बट अभी भी हम मंडे से फिर से हमारे के फिर से बात करेंगे अगर दस क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं ना हरा तो वो बहुत बड़ा रोल आपका यहां पे निभाते हैं और ये पक्की बात है कि पांच से दस क्वेश्चन रिपीटेड तो होते ही होते हैं चलेगा बिच वन ऑफ द फॉलोइंगल या ये ये परेशान करता है और ये न, कोई बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसको। इस को बिल्कुल आसान नहीं बोल सकते अगर आपने पहले क्वेश्चन सोल्व करा है तब तो आप इस चीज को आराम से टिक कर, कर दोगे बट ऐसे ही दिक्कत देगा देखो पहले तो ये समझो ये कन्वेंशनल सोर्सेस कौन सी होती हैं ये कन्वेंशनल एनर्जी किसे कहा जाता है कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत ऊर्जा कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत ऊर्जा मेरी बात क्लियर हो रही है ठीक है अब आपको एक चीज मैं और मजेदार बताता हूं जो हमारी कन्वेंशनल एनर्जीज हैं उनको हम नन रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल देते हैं उसको हम नन रिन्यूएबल एनर्जी भी काउंट करते हैं क्या ये चीज सबको क्लियर है ये उन्हीं को क्लियर होगी ना जिन्होंने प्रॉपर सिलेबस अपना कंप्लीट कराया नहीं तो फिर तो दिक्कत आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे इसको हम नन एनर्जी भी बोलते हैं किसको कन्वेंशनल एनर्जीज को ठीक है तो यहां पे देखो अगर मैं बात करूं नन रिन्यूएबल एनर्जी की तो यहां पे एक भी एग्जांपल आपको नन रिन्यूएबल का नहीं मिल रहा है ये सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल्स हैं मेरी बात सुनो अगर मैं बायोमास की बात करूं ये भी आपका एक रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी भी टाइडल एनर्जी भी तो यहां पे इस को अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल था क्लियर है ये चीजें बट बट मेरी बात ध्यान रखिएगा ये जो बायोमास एनर्जी होती है ना बायोमास एनर्जी कौन सी होती है जो कि पेड़ पौधों के गलने सड़ने से एनर्जी मिलती है उसको हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं क्लियर है ये चीजें हाँ तो यहां पे क्या बोला जाता है ये आपकी सेमी सेमी है मतलब आधी आपके पास रिन्यूएबल में भी काउंट कर, करी जाती है आधी नन रिन्यूएबल भी काउंट की जाती है तो इसीलिए हम इसको भैया नन रिन्यूएबल भी बोलते हैं इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं देखो अगर कुछ नहीं समझ गया तो आपको यह चीज तो पता होगी ना रिन्यूएबल एनर्जी को क्या बोला जाता है नवीकरणीय ऊर्जा जो कि आपकी द्वारा से फिर से है ना यहां पे आ सकती है बट नन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं अनवीकरणीय ऊर्जा जो कि एक

क्या कहलाता है है ना वो कहलाता है जब जब आपके पास है ना जब क्या होगा जब आ, सन सन और जो हमारा मून है उसके बीच में आपके पास नहीं सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है उसी को हम यहां पे क्या बोलते हैं सूर्य ग्रहण बोलते हैं तो ये क्या बोला गया यहां पे देखना है हमें द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बिल्कुल सही आंसर है वो सी देखो सूर्य ग्रहण रियलिटी में होता क्या है ये सन है ये चीज सन है जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाएगी देखो यहाँ पे चंद्रमा आगे अड़ा हुआ है ना चंद्रमा आगे बीच पे है ना जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती है डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे सूर्य ग्रहण कहते हैं क्लियर है ये चीजें सो आपको ये चीज पता होना चाहिए मून सेंटर में है वेरी गुड भावना शर्मा नेक्स्ट ज्योति कौंडल बिल्कुल ठीक है कमल शर्मा बिल्कुल ठीक है तो आप यहां पे जो 2017 का क्वेश्चन और 18 का क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि आपको आइडिया हो रहा है कि हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट पूछते हैं ना सर मुझे क्या पढ़ना है तो मतलब जब आपको सोलर एक्लिप्स पूछा गया तो लूनर एक्लिप्स भी आपको पता होना चाहिए इससे जुड़े हुए सारे टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए चलेगा नेक्स्ट आगे आइएगा द साइंटिस्ट हु अर्थ रिवोल्व अराउंड द सन देखो यहाँ पे क्या बोला गया वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये पता करा कि जो पृथ्वी है पृथ्वी है ना सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है ये चीजें आपको लिए इम्पोर्टेंट है जल्दी से आपने बताना है ठीक है हाँ पहले क्या होता था और इसी चीज को अगर मैं बोलूं तो इसको हम हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी बोल सकते हैं है ना ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का ही एक पोर्शन है सही है तो आपको यह चीज बतानी है इज द राइट बिल्कुल वेरी गुड बिल्कुल ठीक है अच्छा हु इज द फादर ऑफ uh, जियोग्राफी जियोग्राफी के फादर कौन है क्लियर है और एक व्यवस्थित भूगोल के फादर कौन है एक एक चीज आपको पता होने चाहिए, चाहिए तभी आपका एग्जाम सही जाएगा मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे अवेयर करवा रहा हूं यहाँ पे झूठे वादों में मैं आपको नहीं रखूंगा मैंने आपको पहले ही क्लियर करी है कि अगर आप ढंग से यहाँ पे uh, मतलब जॉब लेना चाहते हो आप रियलिटी में जॉब लेना चाहते हो तो कंप्यूटर से कुछ नहीं होने वाला है कंप्यूटर से ज्यादा से ज्यादा 110 नंबर ले लेंगे आप अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो सही है अच्छी मेहनत मतलब जान लगा दोगे तो चलेगा सो कॉपरिक्स इज द राइट कॉपरनिक्स ने क्या कहा था बोला था कि जो हमारा सन है सन सेंटर में है और अर्थ उसके इर्द गिर्द घूमती है बट मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि एक ऐसा एक ऐसा वैज्ञानिक या भूगोलकर्ता भी था जिसने ऐसा कहा था पहले पहले बोला गया था कि पृथ्वी सेंटर में है पहले तो हम अर्थ को सेंटर में मानते थे ना है ना पहले पृथ्वी को सेंटर में मानते थे और सोचते थे कि बाकी की चीजें इसके इर्द गिर्द घूम रही है हाँ यहां पे देखिएगा इज द राइट और इन जो था वो आपका व्यवस्थित भूगोल का यहां पे ये मान, माना जाता है बिल्कुल ठीक है आगे बढ़िएगा देखो तो टॉलोमी बिल्कुल ठीक है है यहां पे इसका जो आंसर अं, कि पृथ्वी सेंटर में है वो किसने कहा था वो टॉलोमी ने कहा था एक एक चीज इंपॉर्टेंट है सही चीज है हाँ अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछू भैया एक गैलेक्सी का टॉपिक सबने सुना होगा ना हमारी गलेक्सी का नाम क्या है हमारी गलेक्सी का नाम क्या है क्लियर है और जो हमारी गलेक्सी है ग्लेक्सी की सेप कैसी है वो किस आकार की आपके पास गलेक्सी है ये चीजें आपने बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब जो पानी है पानी का घनत्व कितना रह सकता है ये अधिकतम चार डिग्री सेल्सियस रह सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है आपको एक चीज पता है ना जैसे होता क्या है जैसे मान लीजिएगा ये वाटर वाटर बॉडी है कोई ये वाटर बॉडी है ठीक है ऊपर से अगर हम मान लीजिएगा यहां पे एक क्वाइन नीचे फेंक देते हैं क्वाइन मतलब सिक्का हम नीचे फेंक देते हैं वो छोटा सा सिक्का मतलब जिसका बेट मुझे नहीं लगता कि दो ग्राम से भी ऊपर होगा या तीन ग्राम से ऊपर होगा ठीक है वो आराम से पानी में डूब जाएगा वहीं पर आप पच्चीस तीस किलो का अगर आप लकड़ी यहां पर फेंकोगे तो वो यहां पर नहीं

वो उसमें क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूं बॉल पेन में क्या होता है कि आपको वो पंप नहीं करना पड़ता है ना बार बार वो पंप नहीं करना पड़ता आपको बार बार बस आप लिखना स्टार्ट करते हो ना जैसे आप लिखना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो आपकी यहां पे इंक है वो ऑटोमेटिकली नीचे चलती चलेगी ठीक है तो वो किसका एक कारण होता है ये होता है सरफेस टेंशन किसका काम होता है सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव क्लियर है ये चीजें किसका काम होता है सरफेस टेंशन का ये काम होता है वेरी गुड बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट आइएगा बेन आइस मेल्ट जब जो बर्फ है जब वो पिघलेगी तो उससे क्या होगा ठीक है तो उससे क्या होता है जब बर्फ पिघलती है तो उससे क्या होता है उससे जो वॉल्यूम है वॉल्यूम समझते हो ना आयतन आयतन क्लियर है ना हाँ तो सिक्स की बात करेंगे उसमें वॉल्यूम जो है, है अनूप कुमार एंड अजय राजपूत अच्छा एक चीज और है देखो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे लाइफ है थोड़ा सा आपको पता है यहां पे इस चैनल पे, आ, है वॉइस प्रॉब्लम है वॉइस प्रॉब्लम का मतलब कि थोड़ा सा ना ऐसी आवाज आती है जैसे कि बारिश हो रही है ठीक है बट मैं आपको यहां पर यह बोलता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कीजिएगा अगर आपको इस तरह की वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो ईयरफोन बिल्कुल भी मत यूज करो इस क्लास में ईयरफोन का यूज मत कीजिएगा बस थोड़ा सा एडजस्ट करो बस सही है चलिएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है ठीक है ये चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बर्फ था ठीक है बर्फ का टुकड़ा था उसने ये पूरा वॉल्यूम घेर के रखा था ठीक है ये पूरा वॉल्यूम लेकर रखा था जब ये पिघल जाएगी तो इतना इतना आपका कम हो जाएगा ये जो वॉल्यूम है इतना इतना एरिया आपका कम हो जाएगा। सबसे तगड़े क्वेश्चन चलिएगा साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रो अव मतलब <coughs> इनमें से जो ध्वनि है वो किस में पास नहीं होती है किस में क्लियर है ये चीज हा, है हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है ये सही हो चुका है हम्म तो यहां पे क्या बोला गया एन आइडियल गैस अ सॉलिड लिक्विड मिक्सर या फिर लिक्विड गैस मिक्सर या पर आप परफेक्ट वैक्यूम देखो मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूं ये जो हमारी साउंड वेव है ना ये कहां पे पास नहीं हो सकती है साउंड वेव्स आपकी भैया मीडियम में पास होती है वैसे मीडियम में पास होती है और उसको पास होने के लिए आपका एक एयर मीडियम चाहिए एक गैस मीडियम चाहिए अगर वो नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा तो यहां पे जो बिल्कुल राइट आंसर है वो वैक्यूम है अब ये वैक्यूम क्या होता है वैक्यूम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हवा बिल्कुल भी नहीं होती है जहां पे विंड बिल्कुल भी नहीं होती है जैसे हमारा आंतरिक्ष जो है ना जब हम एटमोस्फेयर से ऊपर चल पड़ते हैं जो हमारा वायुमंडल है वायुमंडल के ऊपर जो हम पहुंचते हैं तो ध्यान रखना वहां पे हवा नहीं होती है तो उस क्षेत्र को हम वैक्यूम बोलते हैं एक खालीपन उसी चीज को हम क्या बोलते हैं वैक्यूम तो जब भी कोई खालीपन होगा भैया तो वहां पर हमारी जो साउंड वेव्स है वो आपकी ट्रेवल नहीं होंगी क्लियर है ये चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर अगर आपसे ऐसे पूछा जाता ना भाई तापमान को मेजर करने के लिए देर इज नो साउंड इन स्काई चलेगा हाँ चलेगा अगर हम बात करें बोला गया डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर बोला गया कि किस यंत्र को हम आ, किस चीज के लिए यूज करते हैं एक Uh, बड़े उच्च तापमान को मेजर करने के लिए उसका यूज किया जाता है पायरोमीटर इज द राइट आंसर फॉर पायरोमीटर क्लियर है ये चीजें थर्मोमीटर भैया एक एक जो ह्यूमन टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है बैरोमीटर की बात करूं तो आपको पता है बैरोमीटर ये जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी पता यहां पर होनी चाहिए क्लियर है ये चीजें तो यहां पर ध्यान रखना पायरोमीटर इज द राइट आंसर अ कैलोरी मीटर नहीं होगा ये कैलोरी मीटर नहीं होगा जी पे मिस्टेक कर रहे थे आप चलो आगे बढ़िएगा देखो यहां पे ऐसा आप सोचना बंद कर दीजिएगा कि भाई कंप्यूटर आपका पेपर निकालेगा बार बार मैं आपको ये समझा रहा हूँ ये सारी चीजें हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या बता रहा है साइंस का ही एक क्वेश्चन द इमेज फॉर्मड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई आपको पता है हमारी आंख का एक भाग जिसको हम रेटिना बोलते हैं बोला जाता है वो कैसी इमेज बनाता है बनाता कौन है रेटिना बना रहा है ना इमेज वो कैसी बनाता है वो बनाता है या रियल प्लस इन्वर्टेड या फिर रियल प्लस इरेक्ट या फिर वर्चुअल प्लस इरेक्ट है? तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से आना चाहिए क्लियर है ये कैसी इमेज बनाता है हमारा जो रेटिना है वो कैसी इमेज बनाता है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की अगर हम बात करें ए रियल प्लस इन्वर्टेड वास्तविक मतलब रियलिटी में वो इमेज होगी प्लस वो उल्टी बनेगी है ना इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा ठीक है सही चीज़ें अगर मैं आपको बोलूं हमारी जो इमेजेस बनती है ना जो लेंसेज में इमेजेस बनती हैं वो दो तरह की आपकी इमेजेस बनती हैं एक होती है रियल प्लस इन्वर्टेड एक होती है वर्चुअल प्लस इरेक्ट हाँ चलेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है अफ्यूज वायर अफ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ मतलब किस अलॉय का मतलब होता है एक मिक्सचर किसका वो एक मिक्सचर होता है तो ध्यान रखना ये टिन और लेड का एक मिक्सर होता है ये टिन और लेड का एक मिक्सर होता है क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें यह टिन और लेड का एक मिक्सर होता है प्रेजेंट टाइम हम 2017 का जो जेओ का पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आपका यहां पे ये यह है टिन और लेड अगर आपसे पूछा जाए लेड लेड का परसेंटेज यहां पे सबसे बेस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ओके जी वेरी गुड आप सभी का यहां पे बिल्कुल सही आंसर है रावी ठाकुर रीना चौधरी अभिषेक कुमार सेम एज लेंस ओके okay? अजय ठाकुर पेमावती संदीप ठाकुर अशोक हिमालयन गर्ल हाँ बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड चलिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें देखो ये चीज ठीक सही होगी ना टिन एंड लेड की बात करी जाती है समझ रहे हो होता क्या था ना अब तो चलो फ्यूज नहीं उड़ता है ना फ्यूज मतलब अब तो एम है ना एम लगाए जाते हैं एम सी मतलब उससे ट्रिप ऑफ हो सकता है बट अब आपके फ्यूज नहीं जाते हैं क्यों क्योंकि फ्यूज जाने वाले जो मीटर हुआ करते थे वो पुराने हुआ करते थे जो नए घर है नए घरों में जितने भी आपके पास मीटर है उसमें फ्यूज नहीं उड़ता है 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 अगर लीजिएगा किसी फ्यूज उड़ भी गया तो तो उस उस टाइम टाइम जो जो हम यूज जो हम यूज़ करते हैं हैं तार लगाते है उसमें तो वो आपकी कौन सी होती है? टिन एंड लेड का आपके पास होता है रडार 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 बिकेम या रडार बीम कंसिस्ट ऑफ मतलब जो रडार है वो कौन सी बीम बनाती है? वो बेब्स uh, को यहाँ पे बनाता है वो माइक्रो बेब्स बनाता है और रडार का यूज किस चीज के लिए किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस में एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए कोई वस्तु को जांचने के लिए हम रडार का यूज करते हैं सो रडार बिकेम या रडार बीम कंसिस्ट ऑफ माइक्रोवेव्स आप में से सभी स्टूडेंट को मैं एक काम दे रहा हूं जो कंप्यूटर की क्लास के लिए बहुत दीवाने हैं मुझे जल्दी से रडार की फुल फॉर्म बता दीजिएगा बट इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार रडार की फुल फुल फॉर्म हमने पढ़ी हुई है है ठीक रडार की फॉर्म लिख के दीजिएगा जल्दी से नेक्स्ट hmm. आ जाइएगा अ गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर इज देखो <coughs> जब हम अपने घरों में फ्रिज यूज करते हैं ना तो उसमें कौन सी गैस यूज होती है hmm. देखिएगा हम्म hmm. रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग अच्छा रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग रडार फाइंड द ऑब्जेक्ट विद हेल्प इसकी पूरी प्रॉपर फुल फॉर्म दीजिएगा ना रडार की पूरी फुल फॉर्म दीजिएगा ना हम्म हा बहुत अच्छे सभी के सभी जल्दी से अपना काम कीजिएगा हम्म रेडियो डिटेक्शन एंड जो रेंजिंग है वो बिल्कुल सही है बहुत अच्छे बिल्कुल ठीक है आगे बढ़िएगा द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर इज ठीक है तो उस टाइम क्या होता है देखो जो तो हमारे फ्रीज होता है ना वो क्या काम करता है जब प्रसारित होती है तो ठंडी होती है प्रवाहित होने पर गर्म होती है और आ, सपिंडित होने पर ठंडी होती है इनमें से कोई नहीं हीट अप ऑन फॉलोइंग ठीक है जब वो फ्लो करती ये तो नहीं होगा ना आ, उसके बाद जब एक्सपैंड जब उसमें से गैस निकलती है तो वो ठंडी होती है तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है सो तो ध्यान रखिएगा ये जो है वो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करी जाए ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ठीक है मतलब जब वो गैस आपकी अंदर चलेगी तो उस टाइम वो ठंडी होती चलती है नेक्स्ट आइएगा रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस यूज टू डेटिंग जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट सिंपल सी बात है कि मतलब एक ऐसी पद्धति एक साइंस की एक ऐसा मेथड जिससे हम पुरानी चीजों का स्मेह बता सकते हैं जैसे आपको पता है ना एक जो सिंधु घाटी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड सबको पता था ना तेईस सौ पूर्व से कितना 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम है, बताया किसने कार्बन 14 जो पद्धति है C14 जो पद्धति है इसी ने हमें यहाँ पे ये यह बताया था कि यहाँ पे ये जो आपका हाँ बिल्कुल ठीक है क्लियर है मतलब ये कार्बन को पहचानता है कि जिसमें ज्यादा मात्रा में कार्बन रहा मतलब इसका अभी-अभी निर्माण हुआ है जिसमें थोड़ा कम कार्बन हो गया मतलब ये बहुत पुराना है वाटर इज कोलाइड फॉर्म व्हेन देखो मक्खन एक कलील आ, कलील है जो बनता है देखो सिंपल सी बात ये आपसे पूछ रहा है कि जो वाटर है वो कैसे बनता है जब फैट से बोला जाता है जब वाटर इज डिस्प्लेस्ड इन फैट सिंपल सी बात है जल का वर्षा में परिक्षेपण होता है जब जल का वर्षा में परिक्षेपण होता है मतलब उससे उसको जब हम अलग कर देते हैं तो उसी चीज को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसी चीज को हम यहाँ पे नाम देते हैं ह ठीक ठीक है है हाँ, चलेगा सो क्वेश्चन नंबर की बात करें ए इज द राइट आंसर चलो मैं मान गया आपको ये चीज पता थी बट मुझे यहाँ पे ये बताइएगा वटर वटर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन देखो ना जो मक्खन है वो कौन सी विटामिन हमें प्रोवाइड करता है सबसे रिचेस्ट सोर्स किसका माना जाता है वटर को बटर किसका एक रिचे सोर्स है बटर एक किसका एक सोर्स है जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फिर हम देखेंगे वेरी गुड बिल्कुल ठीक है अशोक जी बिल्कुल ठीक है हुँ. आगे बढ़िएगा बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंजिंग इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है डाइजेशन ऑफ फूड वही है कर्डिंग ऑफ मिल्क बिल्कुल ठीक है जब दूध से दही बनता है तब भी आपके पास वो केमिकल रिएक्शन है ठीक है विटामिन ए होता है विटामिन ए विटामिन सी तो कभी नहीं होगा विटामिन ए होता है वो जब हम बटर खाते हैं ना तो उससे हमें विटामिन ए की है ना जो कमियां है वो पूरी होती है ठीक है अच्छा एक मेरे को बताइएगा जो विटामिन ए है उसका साइंटिफिक नेम कोई बता सकता है क्या विटामिन ए का साइंटिफिक नेम कोई बता सकता है विटामिन ए से रोग कौन सा लगता है पहले ये बताओ नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं रतौंदी समझ रहे हो नाइट ब्लाइंडनेस जैसे हम बोलते हैं रतौंदी आप साथ दीजिएगा बस ये वाला जो हमारा वीकेंड है उसमें हम ये पूरा काम करेंगे उसके बाद हम इस काम को बंद करके क्या काम करेंगे अपना जो एक हमारा साइंस का टॉपिक बच रहा है साइंस के टॉपिक के ऊपर मैं आपको लगभग 200 क्वेश्चन दूंगा ठीक है ना 200 हंड्रेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको साइंस के दूंगा उसके बाद अगर मैं बात बोलू तो राइट वेरी गुड इज द राइट ओके चलेगा तो यहां पे देखिएगा अब मैं बात कर रहा था किसके बारे में कि बोला गया बिच ऑफ बिच वन ऑफ नॉट अ केमिकल चेंज यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें फ्रीजिंग ऑफ वाटर जब हम जल का ना बर्फ बना देते हैं ये वाटर की जब हम आइस बना देते हैं तो उस टाइम केमिकल रियक्शन नहीं होता है ठीक है वो में उतार चढ़ाव होता है है वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट सॉफ्टेस्ट या मेटल मतलब सबसे नरम जो धातु वो कौन सी है सोडियम सोडियम जो है वो नरम धातु के रूप में काउंट की जाती है सोडियम सबसे सोडियम भाई हमारे खाने के लिए भी सोडियम का यूज किया जाता है ना क्लियर है तो सोडियम किस में यूज होता है सॉल्ट में ठीक है तो आप यहां से वो लॉजिक लगा सकते हो कि वो नर्म है ड्राई आइस आइस का फॉर्मूला क्या होता है CO2 जो शुष्क वर्फ है उसको हम CO2s यहां पे नाम देते हैं क्लियर है, है ये चीजें 17th की बात करें क्वेश्चन नंबर 17th की बात करें जो बिल्कुल राइट right आंसर है वो आपके सामने है 17th का ए इज द राइट आंसर 17th का ए इज द राइट आंसर क्लियर है चीजें बिल्कुल ड्राई आइस इज इक्वल टू CO2 और S चलिएगा ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ग्लास को आप बिल्कुल सही तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो क्लाइडल सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन या फिर सुपर कोलाइडेड लिक्विड सोल्यूशन हा तो ये आपने बताना है इसका कौन सा आपके पास बिल्कुल सही आंसर है ये भैया सुपर कोलाइडेड है, collided, cooled, uh, है ना सुपर कूल्ड लिक्विड है ठीक है ना शीतित द्रव है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है ग्लास क्या होता है ग्लास समझते हो ना आप ये पानी पीने वाला ग्लास नहीं बोल रहा है ये ऐसा नहीं बोल रहा है ये ये ग्लास मतलब एक कांच की बात कर रहा है एक कांच की बात कर रहा है सुपर कूल्ड लिक्विड सुपर कूल्ड लिक्विड इज इक्वल टू ग्लास चलो आगे बढ़िएगा इन देवी व्हीकल्स इन देवी व्हीकल डीजल इज यूज एज फ्यूल बिकॉज देखो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना उनमें हम क्या यूज करते हैं भाई यहां पे यूज करते हैं हम डीजल उसका क्या कारण है तो उसका ये जो कारण बता रहा है वो आपका क्या क्या है यहां पे आपको देखना इट इज हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग्स ये तो ठीक है भाई पावर इसकी सही है और इकोनॉमिक सेविंग्स ही ठीक है इट इज लेस कॉस्टली एंड यूजफुल फॉर फ्यूल सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू ये तो गलत है ये चीज तो नहीं है भाई इट हैज मोर माइलेज एंड सेफ द इंजन ये नहीं है भाई तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ए इज द राइट आंसर क्लियर है ना अगर मैं इस क्वेश्चन की भी बात करूं ए इज द राइट आंसर अगर हम इस क्वेश्चन की भी बात करें सो ए इज द राइट आंसर सही है हाँ चलेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करेंगे द नेचुरल रबर इज अ पॉलोम ऑफ इंपॉर्टेंट है मैं आपसे यह चीज पूछना चाहूंगा पहले कि भारत का सबसे बड़ा जो रबड़ उत्पादक राज्य है वो कौन सा है आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए केरला क्या आंसर आना चाहिए केरला अगर मैं विश्व में सबसे बड़े उत्पादक देश की बात करूं जो रबड़ उत्पादक देश है वो कौन सा है ऑप्शन देता हूं थाईलैंड मलेशिया या सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया या सिंगापुर इसमें से कौन सा है आ, बहुत अच्छे बिंदु ठकराल नाइनटीन का ए है बिल्कुल ठीक है ज्योति

और इस स्केल का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं एसिड बेस और न्यूट्रल को देखने के लिए हमारा जो वाटर है वो आपका क्या होता है न्यूट्रल होता है इसकी जो वैल्यू रहती है वो सेवन यहां पे इसकी वैल्यू रहती है बहुत अच्छे चलेगा आपको ये चीज पता है ना हाईली एसिडिक क्या है हाईली एसिडिक कौन सा आपके पास सब्सटेंस हाइली एसिडिक होता है सबसे हाईली एसिडिक क्या है भैया बहुत अच्छे बिल्कुल वेरी गुड आप सभी के लिए मेरी तरफ से लाइक like. इसी तरह से हमेशा काम करते रहो आप ये चीज भूल जाओ कि आपको विदाउट कंप्यूटर सॉरी ऑनली कंप्यूटर पढ़ के ही आपको जॉब लग जाएगी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपका यह एक भ्रम है और आप इस भ्रम में

वो एसिटिक एसिड जो है वो बिल्कुल सही है क्लियर है ये चीजें एसिटिक एसिड बिल्कुल ठीक है आगे आइएगा देखो द मेटल प्रेजेंट इन बी देखो जो हमारा विटामिन बी होता है ना विटामिन बी में बहुत से आपके सब ग्रुप्स है क्लियर है ना हाँ और विटामिन बी को हम शॉर्ट में बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं सही है ये चीजें तो जो इसका बी आपका एक पार्ट है उसमें क्या पाया जाता है कोबाल्ट कोबाल्ट पाया जाता है वेरी गुड कोबाल्ट पाया जाता है ये चीजें क्लियर होनी चाहिए अच्छा मुझे यहाँ पे ये बताइएगा चलो अच्छा बिगड़े चलो नेक्स्ट था बर्मी कंपोस्ट बर, बर्मी कंपोस्ट क्या है एक बर्मी कंपोस्ट क्या है एक ये भैया ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है ये कार्बनिक बायो उर, उर्बर्क है चौबीस की बात करें ये बिल्कुल जो सही आंसर है वो बी इसका राइट आंसर है आपको हमेशा के लिए ये चीज ध्यान रखनी है आज ये क्वेश्चन पूछा कल के कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है है क्लियर ना ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर इज द राइट क्लियर है बर्मी कंपोस्ट की बात करी जाए वो एक कार्बनिक बायो उर्वरक है ठीक है ना उर्वरक फर्टिलाइजर क्या होता है फर्टिलाइजर का मतलब होता है एक तरह की खाद ठीक है ना तो ये कार्बनिक ठीक है किसे कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं और जी, आ, क्या, क्या, क्या चीज आपको चाहिए ठीक है जितनी मेहनत कर सकते हो अभी कर लो वही, बाद नहीं है क्लियर है ना जल्दी से बताइएगा लाइजोम इज द राइट क्लियर है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छा मैं आपसे पूछूं प्रोटीन हाउस ऑफ सेल प्रोटीन हाउस ऑफ सेल सेल का जो प्रोटीन हाउस है उसको क्या बोला जाता है क्लियर है ना सेल के प्रोटीन हाउस को क्या बोला जाता है अच्छा फादर ऑफ सेल सेल के uh, जो फादर है वो कौन है है ना मतलब जो कोशिका के फादर है हु इज द फादर ऑफ सेल या फादर के जनक किसे कहा जाता है फादर के जनक किसे कहा जाता है फादर के जनक किसे कहा जाता है मुझे ये बताइएगा क्लियर है मुझे ये आपने ये बताना है कि कोशिका पावर हाउस ऑफ सेल इज इक्वल टू माइकॉन्ड्रिया बिल्कुल ठीक है आगे रोबर्ट हुक वेरी गुड बिल्कुल ठीक है शिवाली राना बिल्कुल ठीक है ठीक है तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पेयर्स ऑफ रिब्स देखो हमारे पछड़ियां होती ना जिसको हम पसलियां बोलते हैं जो हमारी पशुड़ियां होती हैं उसके अंदर आपको पता है लंग्स होगा उसी के अंदर आपका हर्ट होगा ठीक है तो हमारे लंग्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सेफ करके कौन रखता है हमारी पछलियाँ तो वो कितने कितने जोड़े में होती हैं वो बारह के पेयर में होती हैं और कितनी होती हैं दो होती हैं ठीक है ना एक लेफ्ट साइड बारह होंगी और राइट साइड आपकी कितनी होंगी बारह होंगी वेरी गुड बहुत अच्छे बिल्कुल ठीक है हाँ माइकॉन्डिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल वेरी गुड बिल्कुल ठीक है सारी चीजें देखेंगे डायनासोर डायनासोर वही ये डायनासोर की बात हो रही है ना ये कौन से एरा में डायनासोर आए थे हाँ वही इतिहास वालों जल्दी बोलो जरा डायनासोर कौन से एरा में आए थे आपने पांच एरा पढ़े ना एक आपका एरा था प्री पैलाजोइक पैलाजोइक मिसोजोइक सेनोजोइक ठीक है और एक आपके पास था नियोजोइक ये पांच एरा थे एक दो तीन चार पांच ठीक है तो ये कौन से एरा में था ये वही मिसोजोइक एरा में था ध्यान रखिएगा एक मिसोजोइक एरा में डायनासोर डेवलप होता है और डायनासोर एक रेप्टाइल था रेंगने वाले जीव जंतुओं में ही आपके पास रेप्टाइल आता है

द ऑफ मतलब जो टीबी की प्रॉब्लम है ना वो किसकी वजह से होती है बैक्टीरिया 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 वायरस फंगस की की वजह वजह से से होती होती है है ये ये टीबी की जो प्रॉब्लम है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ इंसुलिन क्या है इंसुलिन एक हार्मोन है बनाता कौन है पेनक्रियास बनाता कौन है पेनक्रियास इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको बनाता कौन है पेनक्रिया और पेनक्रियास ये क्या है हमारा एक ऑर्गन है एक हमारा अंग है हमारे शरीर का एक आंतरूनी अंग है जो कि इंसुलिन बनाएगा इंसुलिन का काम क्या होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ऑब्जर्व करना एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ऑब्जर्व करना सबको पता है ना ये चीजें वेरी गुड चलिए आगे बढ़ेगा। प्रोसेस बाई विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड मतलब वो क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको क्या बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस उसको बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस उसको कहा जाता है वेरी गुड उसके बाद वाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बींग्स मानव में पित्त 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 जो होता है वो कहां पे होता है वो भाई पिताशियम होता है गैल व्लाडर

पूरे क्वेश्चन सेटिसफाई हो पूरे सेशन से सेटिस्फाई हो और अच्छे से एंटरटेन कर रहे हो इन्जॉय कर रहे हो तो अपना शेयर बटन हमेशा प्रेस करते रहिएगा मैं आप सभी को बार बार यही बोल रहा हूं इन क्वेश्चन को रिपीज करना रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन बार बार मिलेंगे आपको हर किसी पेपर में मिलेंगे ठीक है गलती से अगर उसमें नहीं मिले जेवे में नहीं मिले तो आगे के पेपर में पक्का मिलेंगे ह्यूमन स्किन बोला जो मानव की चमड़ी होती है ना ठीक है मानव की चरम ये चमड़ी होती है बोला जाता है वो इनमें से क्या है क्या वो एक ऑर्गन है क्या वो टिश्यू है या वो कोशिका है देखो ना तो ये आपके पास टिश्यू है ना तो ये कोशिका है ये आपके पास एक अंग होता है हमारा सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए हम्म ओके चलिएगा कोई बात नहीं हाँ चलिएगा तो यहां पे क्या बोला जा रहा है आ, हमारा मानव का सबसे बड़ा जो अंग है क्लियर है ना सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी ठीक है वो कौन सा है वो भैया स्किन ही सबसे लार्जेस्ट है अगर इंटरनल बॉडी की बात करें तो वो कौन सा चलता है इंटरनल बॉडी में सबसे बड़ा जो आपके पास ऑर्गन है वो कौन सा है अच्छा आपको एक चीज पता है सेल सेल होते हैं ना मतलब हमारी बॉडी में बहुत से सेल हैं हजारों के हिसाब से नए बनते हैं और हजारों के हिसाब से वो पुराने खत्म होते हैं बहुत से सेल इकट्ठे मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ही लास्ट में क्या करते हैं आपका यहाँ पे ऑर्गन बनाते हैं हमारा जो अंग बना है ना हमारी उंगलियां हमारे हाथ पांव कान ये क्या अंग हैं ये कैसे बनते हैं ये इसके लिए सबसे छोटी इकाई है सबसे छोटी यूनिट है सेल फिर सेल से आपका टिश्यू बनेगा टिश्यू से आपका ऑर्गन बनेगा लीवर इज द राइट वेरी गुड बिल्कुल ठीक है हा बहुत अच्छे वेरी गुड चलेगा असीड इज रिपाइंड देखो एक बीज है पका हुआ उसको क्या बोल सकते हैं उसको हम बोलते हैं बीजांड ठीक है ये चीजें या ऑव्यूल ऑव्यूल इसको नाम दिया जाता है ठीक है ये चीजें हाँ ठीक है तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोला गया असिड इज रिपैंड या रिपेंड तो यहाँ पे उससे हम बोलते हैं ऑव्यूल सही है ये चीजें नेक्स्ट टॉलेस्ट्री सबसे ऊंचा ब्रिक्स कौन सा है यहाँ पे बोला गया क्या आपका आ, ये जो यूके यूकेलिपिस्ट या इसको प्रोनाउंसिएशन यूकेलिपिट्स देवदार सिकुआ या इनमें से कोई नहीं इनमेंो so, इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो सिकुआ बिल्कुल सही है सिकुआ बिल्कुल सही है देवदार नहीं होगा भी नहीं होगा यहाँ पे जो सबसे टॉलेस्ट है सबसे ऊंचा जो ब्रिक्स होता है वो पैंतीस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो so बिल्कुल सही आंसर है सिकुआ सिकुआ बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे बट इज मिक्स फार्मिंग मिस्ट मिक्स फार्मिंग क्या होती कल भी देखा था ना मिक्स फार्मिंग के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा यूरोप पढ़ा था ना हमने ये चीज हाँ तो यहाँ पे क्या है बट इज मिक्सड फार्मिंग ठीक है ना मिश्रित खेती किसे कहा जाता है अनेक फसलों का योजना अनुसार लगाना या फिर अनेक फसलों का उगाना तथा पशुपालन रवि के साथ साथ खरीफ फसल उगाना इनमें से कोई नहीं भैया इसमें थोड़ा सा दिक्कत है यहां पे जो बिल्कुल सही आंसर है वो बी इज द राइट आंसर एक तो अनेक फसलों को इकट्ठा उगाना प्लस साथ साथ में पशुओं को उगाना भी आपके हाँ पास यहां पे क्या कहलाता है बी अगर बी ऑप्शन में नहीं होता तो ए वहां पर आंसर होना था नेक्स्ट अर्थवॉर्म केंचुए होते हैं केंचुए वो किसान के मित्र होते हैं फार्मर के फ्रेंड होते हैं कारण क्या है भैया वो सॉइल को ना सोइल को एक तरह से क्या उपयोगी बना देते हैं मतलब उसमें ना वो चीजें पैदा कर देते हैं क्या पैदा कर देते हैं उसको उस क्या बोलेंगे है ना सही है रद्रमे हृदर प्रोवाइड कर देते हैं मतलब एक तरह से एक फर्टिलिटी है ना एक खाद होती है एक तरह से केंचुआ क्या होती है केंचुआ एक तरह की खाद तैयार कर देते हैं एक फर्टिलाइजर तैयार कर देते हैं इससे इसके लिए ठीक है सैफ्रॉन सैफ्रॉन पता होता है क्या होता है केसर देखो भारत में जो केसर केसर उत्पादित राज्य है वो कौन सा है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में आपका केसर उत्पादित रहता है तो यहां पे क्या बोला गया बोला गया केसर कहां से मिलता है स्टिग्मा से मिलता है देखो यू होता है ना अच्छा आपने कभी एक हाँ डिस्क है जिसको हम अपनी भाषा में कर्याल बोलते हैं कर्यालया है, है ना ये कराली जिसको बोला जाता है तो उसमें आप क्या चीज खाते हो फूल खाते हो ना और यहाँ पे यूं इस तरह से इसके आगे आगे कुछ इस तरह से होता है ना ठीक है और इसके साइड साइड में क्या होती है एक पत्तियां जैसी होती हैं जो पत्तियां होती है ना जिनका हम नहीं खाते हैं वही आपके पास यहाँ पे स्टिग्मा कहला जाता है बस आप यहाँ पे ये यह चीज ध्यान रखिएगा क्लियर है ये चीज है हाँ चलिएगा बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर द स्टूमलिंग इफेक्ट ऑफ टी ठीक है यहां पे क्या बोलेगा निम्न में से क्या चाय के उत्तेजना प्रभाव के लिए जिम्मेदार है ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन के ऊपर आइएगा हाँ यहाँ पे क्या है एल्कोलाइट मतलब होता है ना कि जैसे हम चाय पीते हैं ये जब भी कॉफी पीते हैं तो उस टाइम क्या होता है हमें एक एनर्जी सी मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है वो एल्केलाइट की वजह से मिलती है एल्केलाइट की वजह से मिलती है सही चीज है चलेगा उसके बाद ये, ये एक ऊन का नाम है पेस्मिना बुल फेमस फॉर इट्स वॉर्म्थ इज ऑप्टेन फ्रॉम मतलब एक ऊन है ये कहां से प्राप्त होती है? भेड़ों से बकरियों से या भालुओं से या यहां पे किसी से भी नहीं हाँ तो ध्यान रखिएगा इट्स लाइक like अ ड्रग्स बिल्कुल अशोक जी बिल्कुल ठीक है चलिएगा गोट ये बकरी ये जो बकरे होते हैं ना बकरे बकरी या बकरे की ऊन इसको कहा जाता है पेस्टमिना एक आपकी एक ऊन है जो कि बकरों से प्राप्त होती है एनक्रिप्शन क्या है एनक्रिप्शन क्या है, है? साइबर ये तो नहीं है डिकॉर्डिंग सम्म पर्सनल डाटा भाई

छियासठ सो भी बोला जाता है इसको बिल्कुल ठीक है इसको सीडीसी छिया सो भी बोला जाता है बिल्कुल ठीक है इसी को हम क्रे वन भी बोलते हैं परम आठ हजार परम आठ हजार जो है वो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है और प्रेजेंट टाइम में भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्युस एंड मिर प्रत्यूस एंड मिर ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रत्यूस एंड मिर चलेगा और प्रेजेंट टाइम में जो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है

हम्म बहुत अच्छे वेरी गुड बिल्कुल सही सही आप काम कर रहे हो हम्म बहुत अच्छे नहीं भैया प्रोसेसर गीगा हर्ड्स हर्ड्स में बिल्कुल ठीक है सनस कलानी बिल्कुल ठीक है सनस क्लानी बिल्कुल ठीक है ये जो आप ना ए फ्लोटिंग पॉइंट है ना फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड्स की बात कर रहे हो ना ये भैया सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर करने का तरीका है सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटर की स्पीड करनी होगी ना मेजर तो वहां पे आपके पास आता है क्या आपका फ्लॉप्स आता है एफ एल ओपीएस क्लियर है ना फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड ठीक है ये चीज है हाँ चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर थ्री और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का स्पीड मेजर मेजर किया जाता है हा पेटा फ्लॉप्स भी बिल्कुल ठीक होगा भावना शर्मा बिल्कुल ठीक है चलिएगा बिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज नॉट अ प्रोसीड ऑरिएटेड लैंग्वेजेस देखो ऑरिएटेड लैंग्वेजेस में आगे की जितनी भी आपके पास लिखी गई हैं सारी ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं बट शिमोला आपके पास यहाँ पे ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है अब आपसे पूछा है हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज अब आंसर दीजिएगा भाई चलो कंप्यूटर क्लास वालों जल्दी से आंसर दीजिएगा अब अब देखते हैं कि कितना आपको यहाँ पे याद रही हैं चीज़ें हु इज़ द फादर ऑफ सी हु इज द फादर ऑफ़ फॉर्टेन हु इज़ द फादर ऑफ कोवल और यहाँ पे कॉबोल की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फोर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है सही है तो फादर कौन है डेनिस रिची यहाँ पे सी लैंग्वेज के फादर है ठीक है डेनिस रिची यहाँ पे बिल्कुल ठीक है बट बट अगर हम बात करें फॉर्टेन की बात करें फॉर्टेन के जो आपके यहाँ पे फादर है वो कौन है सर क्या सत्तर नंबर पे सत्तर नंबर पे चांसेस है, 65 चांसेस है भाई सिक्सटी फाइव ले लीजिएगा बस सब ठीक हो जाएगा डेनिस ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस ठीक है, है? है, है? ना फोर्टेन लैंग्वेजेस के लिए आपके पास कौन सा है भाई hmm, बहुत अच्छे है देखो फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए आपके पास जोहन या जे एक्स बिल्कुल ठीक है और जो आप ग्रास होपर की बात करते हो है ना ग्रेस होपर की बात करते हो वो कोवोल बिल्कुल ठीक है ठीक है ये चीजें नेक्स्ट आइएगा वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इन यूनिक्स यूनिक्स क्या है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना तो इसमें क्या चीज यूज की जाती है नेक्स्ट में इंटरनेट सर्वर भी यूज भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सब कुछ हम यूज कर सकते हैं ना ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम सब कुछ यूज कर सकते हैं ना जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसमें इंटरनेट भी चला सकते हो उसमें आप मोबाइल uh, भी चला सकते हो सब कुछ कर सकते हो ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इंपॉर्टेंट है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इज द मोस्ट डिप्लाइड मोस्ट डिप्लॉयड का मतलब होता है सर्वाधिक पर नियोजित इंटरनेट लेयर ठीक है ना मतलब हाल फिलहाल में आपके पास जो बना हुआ है और सबसे Uh, जो डिवेलप्ड आपके पास uh, प्रोटोकॉल है वो आई है बट अभी तक जो ज्यादातर के यूज की जाती है वो आई है आईपीबी 32 बिट की है और ये आपके पास 128 बिट की है ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अभी आपके पास आई जो है वो दो बिटे ही हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है ये दो uh, प्रोटोकॉल ही हमें देखने को मिली बट इज कंप्यूटर फायरबॉल कंप्यूटर फायरबॉल क्या है भैया आपको पता ना ये क्या है अनऑथेनेटिक uh,

ठीक है फोर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा वट इज द सुपर कुकी ये कुकीज क्या होती है भाई अगर हम अपनी फोन से अपने डिवाइस से हम आ, हर चीज को जो हमने सर्च करी है जो हमने यहां पर देखी है उसको हम डिलीट कर दे तो ये क्या करता है ये उसको डिलीट नहीं होने देता है उसको डिलीट नहीं होने देता है उसके बाद भी हमारी चीजें यहां पे रहती हैं तो बस यहां पे ध्यान रखिएगा सुपर कुकी का मतलब क्या होता है यह कुकी पब्लिक प्रत्यु डोमेन uh, के साथ होती है इट्स इट इज अ कुकी विद पब्लिक सुफिक्स डोमेन ठीक है ना तो उसके साथ हमें यहां पे ये चीज देखने को मिलती है ये चीज आप ध्यान रखिएगा इट्स ये नहीं है यह वो कुकी है जो ब्राउजर साइट में मिटाए जाने के पश्चात धुराती है देखो वो तो ठीक है ये ऑलमोस्ट यहां पे ये भी वैसे ठीक आंसर होना था बट ये जो बिल्कुल सही आंसर होगा ये बिल्कुल सही आंसर है इट इज अ कुकी विद अ पब्लिक सुफिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आइएगा निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर विश्व का पहला तौर पे लगाया गया था इंटल चार्ज हजार मुझे लगता है ये चीज ठीक है ना पहला प्रोसेसर कौन सा था? इंटल चार हजार क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन सुपर कंप्यूटर में तौर पर प्रयुक्त ऑपरेटिंग प्रणाली क्या है देखो ना तो हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ना तो हम यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज करते हैं ध्यान रखिएगा हम सुपर कंप्यूटर में ज्यादा करके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं 49 नाइन क्वेश्चन की बात करी जाए ज्यादा करके हम यहाँ पे लाइनेक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी का जो बिल्कुल सही आंसर है वो लाइनेक्स बिल्कुल सही है बहुत अच्छे वट इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस अच्छा क्वेश्चन है एलन ट्रेनिंग ठीक है एंड वट इज द फादर ऑफ कंप्यूटर

ये जैन धर्म के स्कूल है वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी गुड बिल्कुल ठीक है सही है ना बहुत अच्छे बिल्कुल सही बात है ए जैन धर्म जैन धर्म इससे संबंधित है बिल्कुल ठीक है आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू सारनाथ सारनाथ किससे लिए आ, ये जो बुद्ध महात्मा बुद्ध थे महात्मा बुद्ध से किस चीज से संबंधित है आपको पता है महात्मा बुद्ध ने ना पहला जो अपना उपदेश था वो सारनाथ से दिया था

लाइव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देखो सिंपल सी बात बोल रहे महान विद्वान थे आपको है? हर्ष हर्षवर्धन के हर्षवर्धन हर्ष है, है हर्ष जुवाईनी, जुवाईनी जो है ना एक आपके पास डांस है और ये आपका कहां का डांस है ये उत्तर पूर्व का डांस है नॉर्थ ईस्ट का एक डांस है तो बोल जाता है, ये का है तो ये कौन सा डांस होगा ये खासी डांस है ये खासी जाति का एक खासी ट्राइब का एक डांस है या फिर मिजोस का एक डांस है या ये डिमाशाओं का एक डांस है तो ध्यान रखिएगा ये डिमाशाओं का एक डांस है ये ट्राइब है जो आ, आपका असम और नागालैंड नागालैंड के क्षेत्रों में देखने को मिलता है असम और नागालैंड में जो हमें एक ट्राइब मिलती है उसको हम डिमाशा बोलते हैं उसके द्वारा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो भी डिमाशा है देखो बिच ऑफ द फॉलोइंग डांस ड्रामा देखो यहां पे बोला जाता है इनमें से कौन सा जो डांस है वो ड्रामा के रूप में देखा जाता है तो देखो कथक कली कथक कली जो है वो आपकी यहां पे इंपॉर्टेंट है और कथक कली सबसे ज्यादा जो आपका देखने को मिलता है वो दक्षिण भारत में और केरल और कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है एक एक चीज आपको पता होना चाहिए कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस डांस है मोहिनी अट्टम कहाँ का फेमस डांस है लिखो जरा जल्दी से मैंने क्या क्या पूछा कुचिपुड़ी मोहिनी अट्टम बिहू ये कहाँ के फेमस डांस है लिखो फिर लगता है पता कितनी पढ़ाई हुई है तो आप भैया जो फेमस डांसेस है ना फेमस डांसेस हैं उनको बढ़िया से पढ़ के जाना ये चीजें पेपर में पूछी जाती हैं क्लियर है ये चीजें आगे बढ़िएगा इंडियाज फर्स्ट तालिक फिल्म प्रोड्यूसड ठीक है ना मतलब भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी 1931 सौ के आप कल मुझे आंसर दे रहे थे आलम आरा पहली जो आपके पास बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी पहली जो मूक फिल्म थी वो राजा हरीश चंद्र थी एक, -एक चीज लिखना बोलती फिल्म पूछी गई तो वो आपके पास आलम आरा है अगर मूक फिल्म मतलब जो ना बोलती हुई फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र आपके पास फिल्म थी ये राजा हरिश्चंद्रादाबाई फालके ने ये आ, ये आपकी आ, फिल्म बनाई थी और आपसे पूछा है पहले फिल्म तो वो झांसी की रानी है वेरी गुड बिल्कुल बिहू असम बहुत अच्छे मोहिनीअट्टम कहां का डांस था मोहिनीअट्टम के लिए कुछ नहीं बताया आपने कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश मोहिनीअट्टम के लिए किसी ने कुछ नहीं बताया फिर चलेगा बताइएगा इन सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से जो प्रागे ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है वो भीम का सबसे प्रसिद्ध है 57 की अगर मैं बात करूं तो जो बिल्कुल राइट आंसर यहां पे है वो आपके पास क्या है भीम बेटका ये भीम बेटका पे है ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में एक आपका पूरा पाषाणिक पूरा पूरा पाषाणिक एक स्थल है मतलब पाषाणिक एक स्थल है ओल्ड स्टोन एज चलता है ना ठीक है ना एक पाषाण काल चलता है ना भीम बेट का आएगा यहाँ पे ध्यान रखना नजंता भीम बेट का ध्यान रखना ये जो हमारा ओल्ड स्टेन एज एक टॉपिक चलता है ना पाषाण काल का पाषाण काल का एक स्थल है भीम बेट का कहां पर मध्य प्रदेश तो ये सही हो जाएगा हाँ हु इज द फादर ऑफ प्रोडो हिस्ट्री प्रागे ऐतिहासिक काल के जो फादर है वो कौन है ऐतिहासिक काल के फादर कौन है डॉक्टर प्राइम रोज पता होना चाहिए एक एक चीज आगे बढ़िएगा सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं फेमस जो एक त्रिमूर्ति सदाशिव मंदिर है वो कहां पे है देखो किस प्रसिद्ध गुड़ गुड़ मतलब होता है समझ रहे हो क्या बोल सकते गुफा त्रिमूर्ति सदाशिव अवस्थित है कहां पे एलिफेंटा की गुफाएं कहां पे महाराष्ट्र में ही हैं एलिफेंटा की गुफाओं में आपके पास एक त्रिमूर्ति सदाशिब अवस्थित है ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है इनमें से पांच गुफाएं हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं और बाकी की आपके पास बौद्ध धर्म से संबंध रखती है चलिएगा तो ये चीज पता होनी चाहिए एलिफेंटा की गुफाएं कहां पे महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं भी एलोरा की गुफाएं भी भैया कहां पे है ये सारी की सारी महाराष्ट्र में ही है बट ये त्रिमूर्ति सदाशिव की मूर्ति कहां पर है एलिफेंटा में है चलिएगा हाँ ये एलोरा की गुफा किस समय की है राष्ट्रकूट याद रखना चाहिए अभी अभी सुबह सुबह हमने छह बजे हमने ये लेक्चर्स लिया था उसमें ये सारी चीजें देखी थी घंधार आर्ट ये जो घंधार आर्ट है ना घंधार किसकी कला है ये हाँ क्लियर है ना ये नंधार किसकी कला है ये भैया मूर्ति कला है मूर्ति बनाने की जो कला है उसको हम गंधार बोल रहे हैं ठीक है ना हाँ, मथुरा कला या सैली और गंधार सैली जो थी ठीक तो है, तो है. नील नील है किसने लिखी है दीन बंधु मित्रा ने लिखी हुई है <coughs> बंकिम चंद्र चटर चटर ने कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी अनदनंद मठ ठीक है और रविंद्राथ टैगोर ने क्या लिखा था गीतांजलि में इन्होंने लिखा था अनंद वो नेशनल सॉन्ग जिसको हम बंदे मातरम बोलते हैं एक एक चीज पता होनी चाहिए तोलका पीएम क्या है ये तोलका पीएम क्या है ये तोलका पीएम एक तमिल व्याकरण है ध्यान रखना तोलका पीएम एक तमिल व्याकरण है तो आप ये बिल्कुल सही आंसर करके आइएगा ए और इसको लिखा किसने था तोलका पियर ने इसको लिखा था बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन बैसाखी क्यों सेलिब्रेट की जाती है मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं देखो यहां पे क्या बोला गया बोला गया बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह ने आपको पता है सिख धर्म के दसवें गुरु नाम है गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे क्या किया था बैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी थी क्लियर है ये चीजें so, सो हम यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना के लिए ही हम क्वेश्चन नंबर को सही मानेंगे चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री बिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज क्लोजली रिलेटेड टू द लेजेंडरी किंग ऑफ बाली आपने सुना होगा ना एक सुग्रीव और बाली की कहानियां सुनी होगी सुग्रीव और बाली की कहानियां सुनी होगी तेरह अप्रैल सोलह सो ये क्या था तेरह अप्रैल सोलह के बारे में बात कर रहे हो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गया खालसा पंथ इज द राइट हाँ बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे क्या बात हो रही है एक सुग्रीव और भाली ये कौन थे भाई हनुमान जैसा है ना इनका रूप था समझ रहे हो ना ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल जाता है जो बाली था बाली की पूजा करी जाती है वो किस कौन से फेस्टिवल में ओनम ओनम कहां का फेस्टिवल है केरला का एक फेस्टिवल है क्या ये चीज ठीक है भाई केरला का ही फेस्टिवल है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा भैया केरला का ही फेस्टिवल है ये अगर मैं ओणम की बात करें तो ये केरला का फेस्टिवल लगभग दस दिन का फेस्टिवल है लगभग पूरे दस दिन आपका ये फेस्टिवल चलता है जैसे हिमाचल प्रदेश में लावी मनाया लावी मेला मनाया जाता है ना कब दिसंबर में नहीं नवंबर चौदह नवंबर के आसपास फिर मार्च में आपकी आ, होली चलेगी अभी सुजानपुर में ठीक है तो ये लंबी उत्सव होते हैं ना उसी तरह से आपके पास एक ओणम भी उत्सव है उसमें बाली को याद किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस मतलब इनमें से कौन सा आ, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कौन सा बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बार भी अध्यक्ष नहीं बना है? बाल गंगाधर तिलक आपको पता था ना बाल गंगाधर तिलक कौन था ये बाल गंगाधर तिलक जो था गर्म दल का नेता था हम्म चलेगा बाल पाल लाल लाल लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक चीज है और बिपिन चंद्रपॉल पाल देश बंधु किसे कहा गया है चित्रंजन दास दादा भाई, भाई यहां पे देखना, देश बंधु किसे कहा गया है यहाँ पे देश बंधु किसे कहा गया है किसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर के ऊपर आइएगा यहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है सही है देश बंधु यहां पर किसे कहा गया है सी चित्रंजन दास बिल्कुल ठीक है अगर दीन बंधु की बात करी जाए सी एफ एंड्रिय अगर दीन बंधु की बात करी जाए सी एफ एंड्रिय देश बंधु पूछा गया तो भैया ये भी पूछा जाएगा सी एफ एंड्रिय दीन बंधु है ऑल यूनियन इंडियन ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1920 यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1920 बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आइए महात्मा गांधी बीकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भाई उनको महात्मा गांधी को कब यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था बेलगाम 1924 में बेलगाम जो आपका अध्यक्ष था या अधिवेशन था उसमें इनको यहाँ पे हेड बनाया गया था हु इज द रिमेंबर्ड एज द पैनर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब एक बहुत बड़ा आपके पास क्या राष्ट्रवाद के परिणता के रूप में याद किया जाता है मतलब एक तरह से बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट टाइप आप रख सकते हो आरसी दत्त ठीक है आरसी रमेश रमेश नेक्स्ट कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने करी थी आपको पता है कैबिनेट मिशन लगभग छियालीस में भारत आया था 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया इसकी जो अध्यक्षता करी थी पैथिक लॉरेंस कहां पे है पी लॉरेंस पैथिक लॉरेंस और तीन पर्सन होते स्टेप फोर क्रिप्स टोटल तीन पर्सन होते कैबिनेट मिशन में भारत उन्नीस में आया था एक, -एक चीज हमने पढ़ी है वैसे तो चलेगा अगस्त ऑफर ठीक है ना बोला गया निम्न में से कौन सा अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है अगस्त प्रस्ताव आपका जब आया था तो उस टाइम यहाँ पे कौन था लॉर्ड लिन लिथगो था उस टाइम जो यहाँ पे अधिकारी था वो लॉर्ड लिन लिथगो था बिल्कुल ठीक है आयरन मैन किसे कहा जाता है सबको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लियर है ना इसको कब कहा गया था जो एक बारदोली सत्याग्रह था उसी में इसको सरदार की उपाधि मिली थी कुछ नाउन ऐसा लोकनायक लोकनायक किसे कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है बिल्कुल ठीक है अगर आपसे पूछा जाए लोकमान्यो किसे कहा जाता है तो मान्यो बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पे कहा जाता है वेरी गुड बहुत अच्छे बिल्कुल ठीक है आगे बढ़िएगा क्विट क्विक इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था आपको पता है आठ अगस्त उन्नीस को आठ अगस्त उन्नीस को महात्मा गांधी के कर्मों पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तो ये किसके विरोध में क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन कब आया था 1942 में ही आया था तो इसके विरोध में आपके पास आप ऐसा रख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था क्या पता है आपको हुँ. क्रिप्स मिशन का उद्देश्य लिखो जरा झांसी शर्मा वेरी गुड बहुत अच्छे हुँ. आप सबको मैं बार बार यहां पे यही बोल रहा हूँ जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना कीजिएगा ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा हम्म एक हफ्ते बाद आपने आराम से सोना ही सोना है बस थोड़ा सा मेहनत कर लो उसके बाद सब ठीक है जल्दी से आंसर दीजिएगा लास्ट के दो तीन क्वेश्चन देखेंगे फिर रेस्ट करेंगे। जल्दी से सिंपल सी बात हो रही है। भारत का वो पहला राज्य जिसे भाषा के आधार पे गठित किया गया था वो कौन सा था आंध्र प्रदेश कब गठित किया गया एक अक्टूबर उन्नीस एक एक चीज पड़ी आप सभी ने समझ हो ना एक अक्टूबर उन्नीस सौ अक्टूबर उन्नीस सौ बिल्कुल, बिल्कुल सना सकलानी सही है बिल्कुल ठीक है स्टेट वाले बिल्कुल ठीक है जम्मू कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑन छब्बीस अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभाजी अंग बने थे सही है पे ये चीज है यहां पर यह भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव की अगर हम बात करें इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो उन्नीस सौ सैतालीस ही आपका बिल्कुल सही आंसर है छब्बीस अक्टूबर को आपको पता होना चाहिए जो एक बिलियो पत्र था ना हरि सिंह के द्वारा वो यहां था उसके बाद बोला गया में से सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था मोरारजी देसाई विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण 76 सर्वोदय योजना का मतलब होता है सभी का विकास सबका क्लियर है ना हाँ। हरी सिंह बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर जल्दी से दीजिएगा सी जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का स्टार्ट किया था कौन क्रांतिकार कौन सा क्रांतिकार कारागार में चौसठ दिन के उपवास के पश्चात शहीद हुआ था ये इंपॉर्टेंट है जतिन दास राम प्रसाद बिस्मिल्ला अच्छा अभी अभी हम ना एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कौन सा नाइनटी थ्री क्वेश्चन था वो क्या वो हमका क्लियर था भाई जो हम बोल रहे थे भगत सिंह जो है वो बिल्कुल ठीक है बट जो आपका वो कौन था इकबाल था ना इकबाल ने सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा वो स्लोगन दिया था ठीक है ये चीजें हम्म आगे बढ़ेगा जतिन दास भैया क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन जिसने चौसठ दिन का एक तरह से अनशन रखा था उसके बाद इसको यहां पे है ना क्या हो चुका था शहीद का दर्जा प्राप्त हो चुका था नेक्स्ट आगे हाँ रानी रानी गैदनल्यो एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थी जो तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के किस भाग से संबंधित थे भैया जो रानी एक तरह से गैदिन ओ, जो कि एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थी वो कहां से थी 78 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये बी इज द राइट आंसर ये मणिपुर की रानी थी ये मणिपुर की रानी थी द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर मोस्ट नॉमिनेटेड इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड डायरेक्टली अधिकांश मनोनीत होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं या प्रोक्ष निर्वाचित होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन का आंसर दीजिएगा ये क्या होता है ये परोक्ष निर्वाचित होते हैं मतलब इन डायरेक्टली इनको चुना जाता है इनडायरेक्टली कैसा होगा अप्रत इज देंबर ऑफ लोकसभा लोकसभा की फिक्स सिटी कितनी है पांच सौ पचास पांच सौ पैंतालीस मेंबर की बात करी नॉट अ सीट पांच सौ पैंतालीस इज द राइट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन स्पीकर हा आज के लिए काफी है काम खत्म करेगा द प्रोटीन

बाकी की निशा निशु निशा शर्मा हाँ जितने भी स्टूडेंट कमल किशोर सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर करी है ये कंप्यूटर का सेशन नहीं है मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं है कंप्यूटर के क्वेश्चंस बीच बीच में आपके आ रहे हैं और जहां पे कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं है तो मतलब ये क्वेश्चन हर किसी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि भाई ये केवल और केवल जेओ के लिए इंपॉर्टेंट है अगर पुलिस की तैयारी करो तब भी इंपॉर्टेंट है शून्यकाल क्या है जब एक मौद्रिक विद्यक लोकसभा में रखा गया हो प्रातःकालीन सत्र का अपरा सत्र के मध्य का अंतराल या फिर जब अति महत्वपूर्ण के विषय उठाए जाते हैं देखो तो ये क्या है इंटरवल बिटवीन द मॉर्निंग एंड आफ्टर सेशंस ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करें द राइट आंसर इज अति महत्व के विषय उठे उठ गए हों शून्य काल क्या होता है काल के लिए भाई ये ठीक है ये चीज ठीक है सी इज द राइट आंसर अपर्णा प्लीज नेक्स्ट अपर्णा जी मेरे को आपका आंसर नहीं मिला वैसे अभी ओके अपर्णा जी बारह टू वन हाँ बारह से एक बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही है ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटी थ्री टू होम अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट ठीक है ना जो आपकी एक लोक लेखा समिति होती है ना वो अपनी कमेटी किसको देती है फाइनेंस मिनिस्टर्स चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी समझते हो ना आप या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाई भारत के राष्ट्रपति को ही देंगे वो क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो यहां पे क्या है एटी टू का बी एटी टू का क्या होगा भाई एटी टू का सी होगा एटी टू का सी होगा नॉट बी टू का सी होगा एटी टू का सी होगा वी राइट नहीं भाई सी होगा यहाँ पे आगे आइएगा अगर हम बात करें यहां पे किस चीज इसके बारे में बात कर रहे थे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो लोक लेखा समिति है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो किसके पास सौंपता है इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द राइट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट पांच कौन कौन सी है? एक-एक चीज आपने पढ़ी हुई है. rates, rates होते हैं के गवर्नर एडवोकेट जनरल बोला एडवोकेट जनरल को चुन सकता है क्या चीफ मिनिस्टर को चुन सकता है सर्विस कमीशन या जज ऑफ भाई जज ऑफ कोर्ट के जजेस को नहीं चुन सकता है एडवोकेट जनरल जो होता है जो आपका राज्यपाल है ना वो यहाँ पे इनको नहीं चुन सकता है सैलरी ऑफ गवर्नर इज चार्ज ऑन भैया जो सैलरी है वो 86 uh, 86 की बात करेंगे, D. 86 की बात बात करेंगे करेंगे है ना थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम इनिशियली रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता समिति अशोक राय मेहता समिति मतलब जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है ना वो किसके द्वारा चला हुआ है कौन सी कमेटी के द्वारा आपके पास चलता है तो 87th की अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी इज द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद चलिएगा आज के लिए इस पूरे सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं आधे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं बाकी के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करके अपना जी आई का 2018 का पेपर पूरा रिवाइज कर लेंगे तो आई होप आप इस इसको बढ़िया से कर पाए होंगे और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे जुड़े हुए हैं और जो ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हैं अब आपको यकीन हो चुका होगा कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हंड्रेड से हंड्रेड मार्क्स भी ले सकते हैं क्लियर ये चीज है बट यही है कि कैसा पढ़ाई करिए प्वालिटी में वो यहाँ पे डिपेंड करता है ओके okay जी थैंक यू सो मच आज के सेशन को बिल्कुल कामयाब बनाने के लिए अगर अगर आपको ये सेशन सही लगा हो और आपने इससे इसको एंजॉय करा हो सो so प्लीज साथ के साथ शेयर जरूर करिएगा थैंक यू वेरी मच मिलते हैं कल के लेक्चर्स में धन्यवाद ओके okay जी